3, 2, 1. अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.6 करके दिखाऊंगा। तो ये मेरे सामने एक शीट है और ये मेरे पास बुक है। तो मेरे पास क्वेश्चन ये है कि एवलुएट अप्लाइंग लॉग ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन मेरे पास ये है 23.7 मल्टीप्लाई बाय 5.967। यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट लॉग एक्स इज इक्वल टू 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967। लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 23.57, जो मल्टीप्लाई होगा वो कन्वर्ट में चेंज हो जाएगा, प्लस लॉग 5.967। तो हम लोगों ने इसमें जो सबसे पहले करेक्टर निकालना होता है, करेक्टर के साथ जो है वो मल्टी सा, तो हम डायरेक्टली जो है वो मोबाइल से भी कर सकते हैं। यहाँ आपने लॉग का बटन दबाया और इसके बाद आपने लिखा 23.57। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया ऑटोमेटिकली 1.3723 है, तो 3 के बाद 5 है, इसका हम 4 कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास log x इज इक्वल टू 1.3724 हो गया, प्लस हो गया। फिर हम यहाँ पर जाएंगे, ऑफ करते हैं, log का बटन दबाता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 5.967। तो ये हो जाएगा हमारे सामने 0.7758 हो जाएगा। ठीक है, राउंड ऑफ करके अब हमने इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 0.7758 प्लस 1.3724। ये हमारे पास एसडी का बटन दबाया तो हमारे पास आ गया 2 log x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2.1482 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने इसका ले लेना है एंटी log, एंटी log x इज इक्वल टू एंटी log 2.1482। एंटी log लेने का तरीका ये है जी, आप इसको ऑफ करें, ऑन करें, पहले आप दबाएं शिफ्ट का बटन, फिर आप दबाएं log का बटन, उसके बाद लिखें 2.1428। ये हमारे पास हो जाएगा 138. x इज इक्वल टू 138.9 हो गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग टिपिकली एक पाकिस्तानी लोग हैं तो हमें तमाद होना चाहिए कि हमारा आंसर सही निकला है कि नहीं निकला। तो हम आखिर में जाके पहले चेक करेंगे 2.6 का किधर है और हमारा आंसर निकला है गलत। यस, ये 140 आ रहा है और हमारा 138.9 है। राउंड ऑफ करके 140 हो जाए? नहीं, राउंड ऑफ करके 139 होगा। हम थोड़ा यहाँ पे एक ब्रेक दे दें, चेक करते हैं गलती किधर हुई है। जी नाज़रीन, मैंने अभी ये चेक किया है, वो ये हुआ था कि जब मैं एंटी लॉग ले रहा था तो वो मैंने वहाँ पे जो है रकम गलत लिख दी थी, शिफ्ट log 2.1428 की जगह मैंने 82 की जगह 2 लिख दिया, 82 लिखना है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 140.6। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वाला क्वेश्चन पसंद आया होगा। जी नाज़रीन, वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2।
वो हमारे पास ये है कि 656.89 डिवाइडेड बाय 7.39 हमने करना है एवलिएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम जो भी वर्ड है, ठीक है। ये पेन आपने मुझे गलत दे दिया है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास दो पेन है, ठीक है। ये इसमें से एक ब्लैक है और एक ब्लू है। ब्लैक की निशानी है कि जिसकी बड़ी जी निब है वो ब्लैक है और जिसकी छोटी सी है वो, तो हम पहले ब्लैक से पहले क्वेश्चन लिखेंगे। तो ये मैं ऑलरेडी पहले लिख चुका हूँ। अब मैंने ये करना है कि लॉग है, लॉग का कानून ये होता है कि जो चीज़ डिवाइड होती है वो हमेशा जाके क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो अब सबसे पहले हम कैलकुलेटर ले लेंगे। कैलकुलेटर पे मैं लिखूंगा लॉग और चेक के आगे कर ऐसे करें, हाँ ऐसे हमें दिखाना है। लॉग लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, मैं तुम इधर ही रखो 65.89, ठीक कितना आ रहा है 1.8188 माइनस है फिर लॉग 7.392 कितना हो गया 0.86876 है, तो हम इसको 88 कर देंगे, ठीक हो गया। अब मैंने 1.8188 माइनस 0.8688 कर देता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा 0.9500, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको पहले जो एक गलती कर दी, लॉग एक्स लिखना था, जो हम लोगों ने नहीं लिखा था वो अभी मैं लिख देता हूँ। अब मेरे पास लॉग एक्स निकला है, मैंने इसका एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग, लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.9500। अब एंटी लॉग कैसे लेते हैं, सबसे पहले ऑन का बटन दबाएं, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, लॉग का बटन दबाएंगे, तो आपके सामने ये वाला जो है वो एक आइकॉन सा आ जाएगा। आपने करना है 0.9500, तो आपका आंसर आ जाएगा 8.9125। क्योंकि हमने आपको बताया कि हम टिपिकली पाकिस्तानी लोग हैं, हमें अपने उस आंसर पे इतमाद नहीं होता, तो हम पीछे जाएंगे और पीछे जाके इसका जो है वो आंसर चेक करेंगे। और हमने जो आंसर चेक किया है 8.912 के बाद जो है वो तकरीबन करके ये जो है ना वो राउंड ऑफ करके 914 ही बन जाता है, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके तकरीबन ये वही बन जाता है 8.912 के बाद ये 43 हो जाएगा, 3 के बाद वो जाके जो है वो 4 हो जाएगा। ये मेरे पास आंसर हो गया, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम, आज आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं आज आपको ये क्लास 9th की मैथ है एक्सरसाइज 2.6, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये मैं आपको एवेलिएट करके दिखाता हूँ। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये मैं असल में ब्लू से लिख रहा हूँ, ब्लैक से लिखना था। तो ये दोनों जो पेन है ना वो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इसमें ब्लैक की निशानी ये है कि जिसकी निब जो है बड़ी है वो ब्लैक है, और जिसकी निब छोटी है वो जो है वो ब्लू है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है इवेल्यूएट अप्लाइंग